नमस्कार, स्वागत है आपका वन एक्स बैट द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टा में। आईपीएल 2024 में आज दो मुकाबले खेले जाने हैं। दिन का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जा रहा है। दोनों टीमों के बीच चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में यह मैच चल रहा है। चेन्नई की टीम के लिए प्लेऑफ की दावेदारी को मजबूत रखने के लिए जीत बेहद जरूरी है, तो वहीं राजस्थान का प्रयास भी जीत के साथ आधिकारिक तौर पर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने का होगा। अंक तालिका की अगर बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स ने अभी तक 12 मुकाबलों में से 6 में जीत हासिल की है और 12 अंक लेकर पॉइंट टेबल पर चौथे स्थान पर है। वहीं राजस्थान की बात करें तो 11 मैचों में 8 जीत के साथ 16 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है। दोनों टीमें इस सीजन में पहली बार एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी। वहीं आज के दूसरे मैच की भी बात करते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच एक अहम मुकाबला खेला जाएगा, क्योंकि इस मुकाबले में नतीजे पर ही दोनों की प्लेऑफ की उम्मीदें काफी हद तक निर्भर हैं। ये मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर शाम 7:30 बजे से होगा। वहीं पॉइंट टेबल पर बेंगलुरु की टीम 12 मैचों के बाद 10 अंक लेकर 7वें और दिल्ली की टीम 12 मैचों के बाद 12 अंक लेकर 5वें स्थान पर है। आज के दोनों मुकाबलों पर ज्यादा बात करने से पहले बात कर लेते हैं कल हुए मुकाबले की। कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 18 रन से हरा दिया। इस जीत से टीम मौजूदा सीजन के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर गई है। वहीं कोलकाता इस सीजन के प्लेऑफ में जगह बनाने वाली पहली टीम है। कोलकाता ने मुंबई को सीजन में दूसरी बार हराया है। आपको बता दें कि टीम ने होम ग्राउंड ईडन गार्डन्स स्टेडियम में टॉस हारकर बैटिंग करते हुए 16 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन बनाए। जवाब में मुंबई इंडियंस 16 ओवर में 8 विकेट पर 139 रन ही बना पाई। वरुण चक्रवर्ती और आंद्रे रसेल ने दो दो विकेट लिए। मुंबई इंडियंस से ईशान किशन ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाए। तिलक वर्मा ने 32 रन बनाए और इससे पहले वेंकटेश अय्यर ने 42 रनों की शानदार पारी खेली। आंद्रे रसेल ने 24 और नीतीश राणा ने 33 रन बनाए। पीयूष चावला ने दो विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह और अंबुज कांबोज के साथ नुवान तुषार को एक एक विकेट मिला। चलिए अब बात कर लेते हैं आज होने वाले दोनों मुकाबलों की। चेन्नई और राजस्थान के बीच अब तक 29 मैच खेले गए हैं, जिसमें 15 मैचों में चेन्नई की टीम को जीत मिली है। वहीं 14 मैचों में राजस्थान की टीम को जीत मिली है। पिछले 5 मैचों की बात करें तो उसमें राजस्थान का पलड़ा भारी है, जिसमें 4 मैचों में राजस्थान की टीम का कब्जा और केवल एक मैच ही चेन्नई जीत पाई है। चेपॉक पर दोनों के बीच 8 मैच खेले गए हैं, जिसमें 6 मैच में चेन्नई को जीत मिली, तो वहीं केवल 2 मैच में राजस्थान का कब्जा रहा है। वहीं दूसरे मुकाबले की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स दोनों ही अब तक एक भी बार आईपीएल ट्रॉफी को अपने नाम करने में कामयाब नहीं हो पाई हैं। आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों का एक दूसरे के खिलाफ रिकॉर्ड देखा जाए तो उसमें आरसीबी और दिल्ली के बीच अब तक 30 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें से 18 बार बेंगलुरु की टीम जीतने में कामयाब हुई है, तो वहीं दिल्ली की टीम 11 मैचों को जीतने में सफल रही। इसके अलावा एक मैच रद्द भी रहा था। वहीं आरसीबी का दिल्ली के खिलाफ आईपीएल में सबसे बड़ा स्कोर 215 रनों का है। वहीं दिल्ली ने आरसीबी के खिलाफ अब तक 196 रनों का सबसे बड़ा स्कोर आईपीएल में बनाया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विराट कोहली के कोच हैं। स्वागत है आपका। अतुल वासन जी पूर्व क्रिकेटर हैं, आपका भी स्वागत है। राजकुमार जी, शुरुआत आप ही से। पहला, क्योंकि आज हेड टू हेड मुकाबला जो हो रहा है, पहला मैच है सीएसके वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि टोटल मैचेस 28 इन दोनों टीमों के बीच हुए हैं, जिसमें से 15 सीएसके ने जीते हैं। राजस्थान रॉयल्स भी क्योंकि अच्छा इस बार प्ले कर रही है, क्या लगता है आपको कि कौन सी टीम आज भारी रहेगी? देखिए, चेन्नई के लिए काफी इम्पोर्टेंट है ये गेम, क्योंकि अगर आज वो हार जाते हैं तो उनकी क्वालिफिकेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी। वहीं आरआर की बात करें तो बहुत शानदार क्रिकेट खेलते हुए वो यहाँ तक पहुंचे हैं और एक तरह से मैं कहूंगा काफी हद तक उनका क्लियर है कि वो प्लेऑफ्स में पहुंच जाएंगे। और जिस तरह की टीम वो खेल रही है, वो एक शुरू से ही बहुत बैलेंस टीम दिखी है और बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा है उनका, तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि आज पलड़ा राजस्थान का ही भारी है। अतुल वासन सर, आपकी नजर में कौन सी टीम लीड करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब दोनों ही टीमें हालांकि मजबूत हैं, लेकिन अगर हेड टू हेड मुकाबलों की अगर बात करें तो 8 मैच में 6 मैच सीएसके ने जीते हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कि जैसे राजकुमार ने कहा है कि मैच जीते होंगे पहले जितने मर्जी, क्योंकि ये एम्पिरिकल डेटा है, पुराना डेटा है। अब करंट फॉर्म की बात करें, करंट सिचुएशन की बात करें,
करंट ग्राउंड रियलिटीज की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स मच बेटर टीम नजर आ रही है और उनके सारे कॉर्नर ना मुझे कवर नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि चलिए एम आई तो छोड़िए, वो मुझे टाइटल के दावेदार में नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये दूसरा जो मुकाबला है वो बेंगलुरु और दिल्ली के बीच होना है, ऐसे में दोनों टीमों की क्योंकि प्लेऑफ की जो उम्मीदें हैं वो दांव पर लगी हैं। राजकुमार शर्मा सर, किस टीम से ज्यादा उम्मीद है और किस टीम की क्या कमजोरी आपको दिखती है? देखिए जहां तक आरसीबी की मैं बात करूं, पिछले तीन मैचेस जिस तरह उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है और कहीं वो कहीं ना कहीं क्रिप कर रहे होंगे कि पहले फेज में उनका ऐसा परफॉर्मेंस क्यों नहीं रहा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन रहा है। बल्लेबाजी में भी देखिए, गेंदबाजी जो उनका एक वीक लिंक है, लेकिन वहां पर भी उन्होंने बहुत अच्छे से उनका परफॉर्मेंस रहा है। बल्लेबाजी हमेशा से स्ट्रांग पॉइंट रहा है आरसीबी का, एंड विराट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जैसा उनके पास अभी ऑरेंज कैप भी है और हाईएस्ट स्कोरर है और जिस स्ट्राइक रेट के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं तो वो लीड कर रहे हैं बैटिंग यूनिट को। और साथ साथ अभी बाकी प्लेयर भी आप देखें, बले डु प्लेसिस हो, ग्रीन हो या पाटीदार हो, वो भी बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो सडनली आरसीबी बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है और अगर ऐसा इसका मैं कहूंगा 75% या 80% भी अगर वो फर्स्ट फेज में खेलते तो आज इस स्थिति में नहीं होते, लेकिन अभी भी वो अपने प्राइड के लिए खेलेंगे और मुझे लगता है कि जिस तरह का प्रदर्शन पिछले मैचेस में रहा है अगर उसको अपना कंटिन्यू करते हैं, उस मोमेंटम को मेंटेन करते हैं तो आज भी आरसीबी का मुझे लगता है कि पलड़ा भारी है यहाँ पर। अतुल सर, क्योंकि पिच और टॉस की भी बात कर लेते हैं, ये पिच कहा जाता है जहां पर ये मैच होगा चिन्नास्वामी स्टेडियम, ये बल्लेबाजों को सपोर्ट करती है, और अगर टॉस की बात करें तो जिन्होंने पहले टॉस जीता है उन्होंने ज़्यादा मैच जीते हैं, क्योंकि 50 मैच जीतने वाली टीमें वो हैं जिन्होंने पहले टॉस जीता। तो टॉस को लेकर और पिच को लेकर आपका आकलन क्या कहता है? देखिए आज क्योंकि ऐसा है कि बारिश हो रही है वहाँ पे और ये मैच वॉश आउट होने की भी एक संभावना है, अगर ऐसा हुआ तो आरसीबी तो पूरा बाहर हो जाएगी, दिल्ली के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। और ये मैच मुझे लगता है दोनों टीमों के लिए जीतना बहुत जरूरी है, तो मैं चाहता हूँ कि पूरा मैच हो। हालांकि जब बारिश होती है तो आप चाहते हैं कि आप सेकेंड बैटिंग करें, क्योंकि आपको पता रहता है कि हमारे हाथ में क्या है, क्योंकि आपके पास जो म्यूटेशन होती है वो आपके हक में रहती थोड़ी सी जब बारिश आ जाती है मैच के दौरान। अगर शुरुआत में लेट होता है शुरुआत तो वो छोटा सा एक और कंटेंट मैच हो जाएगा जिसमें मुझे लगता है कि शायद आरसीबी को ज्यादा फायदा रहेगा आज, क्योंकि दिल्ली के लिए ऋषभ पंत नहीं है, उन्हें एक मैच का बैन मिला है स्लो ओवर रेट्स के कारण, तो एक परेशानी दिल्ली के लिए ये भी बनी पड़ी है कि ऋषभ पंत की जो गैप है वो कौन फिल करेगा। अक्षर पटेल कप्तानी करेंगे पर ऋषभ पंत जैसा कप्तान ऐसे क्रूशल मैच में अगर आपके आपके पास ना हो तो थोड़ी सी घबराहट होती है। राजकुमार सर, होम ग्राउंड का कितना फायदा बेंगलुरु को मिलेगा, और क्योंकि विराट कोहली 12 पारियों में 634 रन बना चुके हैं, आज कितने स्कोर की उम्मीद करें उनसे? देखिए स्कोर तो प्रेडिक्ट नहीं किया जाता T20 में, लेकिन जिस तरह की वो बल्लेबाजी कर रहे हैं तो मुझे पूरी आशा है कि वो आज भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे अपनी टीम के लिए और पूरी टीम को वो कैरी कर रहे हैं जिस तरह उन्होंने ओपनिंग स्टैंड दिया है आरसीबी को, तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहा है क्योंकि जिस तरह पावर प्ले कैश किया है और फिर उसके बाद पावर प्ले कैश करने के बाद उन्होंने स्टेबिलिटी दी है अपनी टीम को, तो वही उनका आज भी मोटिव होगा, यही वही एक्सपेक्ट करेगी आरसीबी के कप्तान और टीम मैनेजमेंट उनसे, और उसको देखते हुए मुझे लगता है, और साथ में होम ग्राउंड है, लेकिन जैसे कि अभी अतुल ने कहा कि बारिश की संभावना है तो ये एक मुश्किल का सबब है दोनों टीमों के लिए, क्योंकि दोनों ही टीमों के लिए आज का मैच जीतना बहुत जरूरी है। आरसीबी अगर आज का मैच नहीं जीती और अगर पॉइंट स्प्लिट होते हैं या अगर वो नहीं जीत पाते तो वो ऑलमोस्ट बाहर हो जाएंगे इस टूर्नामेंट से, तो वो भी चाहेंगे कि वो मैच पूरा हो और जिस तरह का मोमेंटम है उनके साथ तो मुझे लगता है कि उनको एडवांटेज है और साथ साथ अपने होम विकेट का भी। अच्छा, इस टीम में फाफ डु प्लेसिस के अलावा और कौन कौन से सितारे आपको लगते हैं कि अच्छा जाएंगे? देखिए फाफ डु प्लेसिस अच्छा खेल रहे हैं, पाटीदार का परफॉर्मेंस लेटली बहुत अच्छा रहा है और तो ग्रीन भी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, तो ये कुल मिला के एक अच्छी टीम लग रही है। सिराज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं तो ओवरऑल अब एक टीम यूनिट की तरह खेल रही है, हर एक को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर है एंड फॉर्चुनेटली फॉर देम कि वो एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं जो प्लान्स बनाए जा रहे हैं टीम मैनेजमेंट के द्वारा। अतुल सर, दिल्ली कैपिटल्स के लिए कौन कौन से खिलाड़ी आपको दिखते हैं कि जो आज अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, जिनसे ज्यादा उम्मीदें हैं
टॉप थ्री खिलाड़ी आप बताइएगा, और उसके साथ ही किस तरह की स्ट्रेटजी अभी तक जो मुकाबलों में रही है, दिल्ली कैपिटल्स ने जो मैच खेले हैं उसमें कहाँ पर वो लैक करते हैं और क्या बेहतर करना चाहिए उनको? देखिए मुझे लगता है लैक नहीं कर रहे, पर वो एज अ यूनिट जेल नहीं कर रहे शुरू में कुछ। कभी गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, शुरू में इशार थे अच्छी गेंदबाजी की, उसके बाद उन्हें इतना मौका नहीं मिला। उसके बाद आई थिंक फ्रेजर मैकगर्ग जो है एक ऐसे प्लेयर है जो कि बहुत ही एक्साइटिंग प्लेयर है। मुझे लगता था कि शायद उनके इस परफॉर्मेंस को देख के, मतलब कि वो एक फ्रीक प्लेयर है जैसे ग्लेन मैक्सवेल है ना, फ्रेजर मैकगर्ग मुझे वैसा खिलाड़ी लगता है। और ऑस्ट्रेलिया ने शायद चूक कर ली है उन्हें वर्ल्ड कप में ना पिक करके, पर फिर भी पृथ्वी शॉ को मौका मिल सकता है आज, क्योंकि ऋषभ पंत नहीं है। और डेविड वार्नर भी मुझे लगता है कि शायद पूरी तरह फिट नहीं है, अगर फिट हो जाए तो रिकी पॉन्टिंग चाहेंगे कि इतने बड़ी गेम में डेविड वार्नर जैसा एक खिलाड़ी अगर बंद नहीं है तो डेविड वार्नर वहां रहे। पर अक्षर पटेल की गेंदबाजी बहुत बढ़िया रही है, मुझे लगता है कि शाम में अगर आप बात की जाए, खलील ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, तो लगभग एक बैलेंस अटैक रहा है। पर जो करते हैं दो चार बैट्समैन क्लिक हो रहे हैं, दो गेंदबाज मैच हो तभी मैच जीते हैं आप, शुरुआत में ऐसा नहीं हुआ, कभी ये तो कभी वो के चक्कर में आप थोड़ी मुसीबत में है दिल्ली। अच्छा राजकुमार सर, क्योंकि हम कर रहे हैं राजस्थान चैलेंजर्स बेंगलुरु की बात, तो यहाँ पर बल्लेबाजों के साथ साथ बॉलर्स की भी बात होनी चाहिए। मोहम्मद सिराज हैं, यश ठाकुर हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं इनसे, क्योंकि अभी तक अच्छा खासा परफॉर्म किया है, 11 पारियों में 11 विकेट सिराज ने झटके हैं। बिल्कुल, सिराज देखिए क्वालिटी बॉलर हैं जो कि तीनों फॉर्मेट कंट्री के लिए भी खेलते हैं और एक बहुत एनर्जेटिक गेंदबाज हैं। जब अपने रिदम में होते हैं और थोड़ा सा हेल्प मिलता है विकेट से तो वो अटैकिंग गेंदबाज हैं, शुरुआती विकेट लेते हैं और वही एक एडवांटेज है उनका कि अगर वो पावर प्ले में अपोजिशन के दो विकेट लेकर देते हैं तो वहां पे वो रेस्ट्रिक्ट कर सकती है आरसीबी दूसरी टीम को, और वही एक एडवांटेज है। और अब साथ साथ उन्होंने डेवलप किए हैं स्लोअर वंस और स्लो बाउंसर्स, तो वो बहुत यूजफुल हो रहे हैं अगर आप देखें डेथ ओवर्स में भी, और इसीलिए सिराज का कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा रहा है। यश ठाकुर ने भी काफी अच्छा कंट्रीब्यूट किया है लेटली आरसीबी के लिए, तभी मैं कह रहा हूँ कि ये टीम अब काफी बेहतर नजर आ रही है फर्स्ट फेज के बाद से, और लगातार इन्होंने अब चार मैचेस जीते हैं क्योंकि फील्डिंग और इनका बॉलिंग थोड़ा सा वीक पार्ट लगता था, लेकिन अब वहां पर भी इन्होंने काफी काम किया है और अब एक बेटर टीम की तरह उभर कर आ रहे हैं। आज जिस पिच पर ये मुकाबला होने वाला है वहाँ तो और भी ज्यादा अटैकिंग होना होगा, क्योंकि बल्लेबाज एक के बाद एक शॉट लगाएंगे। कैमरून ग्रीन और करण शर्मा को लेकर क्या सोच है आपके राजकुमार जी? देखिए कैमरून ग्रीन का बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था अगर आप पहले 5-6 मैचेस देखें, लेकिन फिर भी उनके साथ परसिस्ट किया है आरसीबी के मैनेजमेंट ने, जो कि एक अच्छा साइन था, बिकॉज लास्ट ईयर जैसे उन्होंने प्रदर्शन किया था मुंबई के लिए उसी प्रदर्शन के आधार पर आरसीबी ने इतने बड़े अमाउंट पर उनको यहाँ पर लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अभी लेटली पिछले 2-3 मैचेस से उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, बहुत बल्लेबाजी से भी और गेंदबाजी से भी, तो उनका परफॉर्मेंस काफी बैलेंस देता है, क्योंकि एक ऑलराउंडर बीच में ऐसा हो जो मैच विनर हो तो वही एक एडवांटेज अब आरसीबी को रह रहा है पिछले 2-3 मैचेस से। अच्छा दिल्ली कैपिटल्स की अगर बात करें अतुल वासन सर, तो गेंदबाजों में मुकेश कुमार टॉप पर दिखते हैं, 8 पारियों में 15 विकेट झटके हैं उन्होंने। जी हाँ, मुकेश कुमार देखिए इंडियन टीम का भी मौका मिल गया उन्हें और बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मुझे लगता है ऐसे खिलाड़ी जो है ना जो कि स्ट्रगल करके आते हैं, बड़े ग्लैमरस नहीं रहते, बड़े नाम नहीं रहते, वो हमेशा आपको डिलीवर करते हैं, देयर कॉल्ड द जर्नी मैन, और मेरे लिए उनके लिए हमेशा मेरे मन में बहुत इज्जत रहती है क्योंकि अपना काम करते रहते हैं। और पर हम एक नाम शायद भूल रहे हैं, कुलदीप यादव का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और बढ़िया बात है कि दिल्ली की टीम में देखिए इस समय 3 तो फ्रंट जो नाम है वो इंडियन टीम के अंदर नाम है, इतनी बड़ी टीम है कि अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और ऋषभ पंत, 3 प्लेयर अब आपकी इंडियन टीम में वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो और ये टीम स्ट्रगल कर रही हो। छोटा खलील जो है वो भी मुझे लगता है कि स्टैंड बाई में है इंडियन वर्ल्ड कप के लिए, तो मुझे लगता है कि एकदम 4 खिलाड़ी आपके ऑलमोस्ट इंडियन टीम में खेल रहे हो और आपकी टीम स्ट्रगल कर रही हो आईपीएल में, ये थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि एक एनिग्मा है मेरे लिए। अच्छा खलील अहमद भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन्होंने, क्योंकि 12 पारियों में 14 विकेट झटके हैं। हाँ, क्योंकि इसीलिए उनको रिकॉग्नाइज किया, उनको रखा गया है प्रोबेबल्स में, क्योंकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की बड़ी देर से ढूंढ है और अर्शदीप का कवर उन्हें रखा गया, क्योंकि जानते हैं कि वर्ल्ड कप में अगर आपके पास एक पेस बॉलर लेफ्ट हैंड अप फ्रंट होगा तो वो बहुत बड़ी एक आपके लिए एक ट्रिक होती है, क्योंकि कभी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन को तोड़ने के लिए ना एक लेफ्ट हैंडर फास्ट बॉलर आपके लिए होना एक लाजमी है। जहीर खान के बाद फिलहाल वो जगह जो है अभी तक पूरी तरह से फिलअप नहीं कर पाया, कोई हर्षदीप
बड़े दिन से खेल रहे हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं सवाल ये निशान है कि क्या वो उस क्वालिटी के गेंदबाज हैं। खलील ने एक तरह से कमबैक किया है मुझे लगता है अपनी अच्छी गेंदबाजी से, और आपने उनके रिकॉर्ड तो बता दिए, पर अब ये मौका है मुझे लगता है कि अगर तैयार रहे और ऐसे मौके में जब एक बार आप पिक्चर में आ गए बिल्कुल प्लेयर्स के साथ साथ दोनों टीमों के पास मौका है कि प्लेऑफ की जो उम्मीदें हैं उन्हें कायम रख पाए। मुकाबला दिलचस्प आज होने वाला है।